आपका शुभ नाम है? नाम बताने की जानकारी नहीं दे सकते, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हो आप आके। नहीं, वो तो जान लिया फिर। मतलब मैं इसको, मतलब आगे अगर मैं, जी मेरे जी को आगे इन्फॉर्म देनी है, इसलिए मैं भी जानूंगा कि मैंने इनसे जाना है। तो आप नाम बता बताओ। दीजिए, ठीक हेल्प डेस्क पे कॉल कर रही थी आपने, आप ये बोल दीजिए हेल्प डेस्क पे बस। है, यूट्यूब पे डाल दूं फिर? जी ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। जी मैम, वर्धमान नगर अपन से असाइनमेंट जी बताइए। जो अपन के, अपन ना जुलाई सेशन के, जुलाई 2021 के असाइनमेंट कब आ रहे हैं? अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, सितंबर में 20 तारीख के बाद कॉल कर लीजिए। मतलब पहले भी और भी कॉल कर लिया था फिर, मतलब 15 सितंबर को, 15 सितंबर के बाद में, फिर उससे पहले 15 जुलाई। देखिए मैं बताती हूँ, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी ना वो केवल 31 अगस्त तक की थी, वहाँ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, इसीलिए आपको कॉल करने के दोबारा बोला 20 तारीख के बाद। सितंबर तो अभी मतलब क्या 20 सितंबर के बाद में, की 20 तारीख के बाद कॉल कर लीजिए। और जिनके जो जनवरी 2021 सेशन के जो जमा हुए उनके अभी तक वेलबीक्स में हॉल पे दिखा रहा है, उनका क्या इश्यू है? उसका मुझे बताइए स्कॉलर नंबर। इस कॉल नंबर, मतलब सारों के यही आ रहा है इश्यू सभी का। बताइए इस कॉल नंबर बताऊं आपको? जी। जी मैम, नोट कीजिए, 21। जी सुन पा रहे हैं? बताइए। टू वन नोट कर लिया? 21 2130, 30 28 28 स्पेस 00। सिक्स सेवन। नाम बताइए। हाँ यही नाम आ रहा है। हाँ बताओ क्या इश्यू आ रहा है इनका? इनके बार कोड रॉन्ग है। हाँ बार कोड रॉन्ग है, मतलब बार कोड कट रहे हैं, इस वजह से नहीं हो पाए हैं। जी चेक कर लिया आपने? ये रहे ना, आगे स्टेटस नंबर डालते ही चेक हाँ हो वो चुके हैं आपके, इसीलिए होल्ड फॉर वेरिफिकेशन, क्योंकि आपके बार कोड रीड नहीं हो पाए हैं। तो जिनका रीड नहीं हो पाता उनके लिए क्या करना होता है? बार कोड रीड नहीं है तो आप दोबारा से पीडीएफ फाइल को सही से बनाइए, जिसमें वो बार तो कोड ये, क्लियर दिखाई दे, बार कोड क्लियर दिखाई दे, ऐसी पीडीएफ फाइल बनाइए आप की पेजों की। अगर वो तो मैम ऐसे 2-3 बार बार कोड कोड कट रहा होगा, मेरी बात सुनिए, बार कोड कट रहे होंगे तो नहीं होंगे स्कैन हमारे पास, फिर से होल्ड फॉर वेरिफिकेशन आ जाएगा लिखा हुआ। फिर दोबारा से भी हम कर लेते हैं अपलोड, फिर भी नहीं हो पाता है फिर। दोबारा अपलोड हो जाएगा आपका, तो एक और चेक कर लीजिए जल्दी आप। आप दूसरा नंबर बताइए किसका है। और जस्ट 214। 214 जीरो थ्री 3 जी 099। नाम बताइए। इनके पे भी यही प्रॉब्लम, बार कोड रीड नहीं हो पाया। बी ए फर्स्ट ईयर है ना। हाँ हाँ मैम, इनके पे भी बार मतलब कोड रीड नहीं हुए हैं, मेरी बात बार सुनिए कोड आप। तो एकदम परफेक्ट बार हम कोड डाल रहे हैं फिर भी नहीं हो नहीं, पा रहा परफेक्ट डालते तो रीड हो जाते, क्योंकि तो सभी के रीड हो चुके हैं, आधे 50% असाइनमेंट ओके हो गए यहाँ से, हमारे पास से 50% असाइनमेंट रुके हुए हैं हमारे पास, सारे वोट वो वेरिफिकेशन में डाल रखे हैं। तो। अभी अभी जो जिनका मैम वेरिफिकेशन हॉल्ड पे है ना, जी अभी जो मतलब अब जनवरी सेशन के अभी एग्जाम हुआ है, तो उनके फिर एग्जाम हो गए, मेरी बात सुनिए, आप असाइनमेंट के बार कोड अगर क्लियर होगा आपका, तो पेटीएम पे बार कोड होता है ना चौकोर बिल्कुल स्क्वायर में। हाँ वो तो मैं समझ गया, वो तो मैं समझ गया। मैं ऐसे हाँ बहुत, ऐसे बार कोड की पीडीएफ बना लीजिए उनकी पेजों की, फिर डालिए आप, हो जाएंगे आपके ओके।
ठीक है, वो तो मैं समझ गया। मेरा सवाल अब ये है कि मतलब जो दिन का अभी भी वेरिफिकेशन हॉल पे देख रहा है, फिर अभी जनवरी सेशन के जो रिजल्ट आएगा ना, हाँ जी, जनवरी से तो पता रिजल्ट तो आने वाला, उससे पहले पहले आप सबमिट करा दीजिए। अभी पूरे मंथ सबमिट होंगे असाइनमेंट आपके, सितंबर सितंबर अगर फिर भी मतलब नहीं हो पाता है तो वेरिफिकेशन हॉल पे इसको नहीं, बता हो दो। जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, आपकी डालिए हो जाएगा। अगर बारकोड सही होगा तो और 7 दिन के अंदर अंदर ऑक्टो हो जाएंगे। ठीक है, और जिनका अभी अभी जो जिनका पिछला जुलाई 2020 था ना, हाँ जुलाई 2020 वालों का अभी दुखेगा, थोड़ी थोड़ी सा टाइम लगेगा उसमें। मतलब वो बाकी है, वो तो उनके ऑनलाइन ऑनलाइन होंगे, लेकिन जो जिन्होंने मतलब करवा रखे हैं ना रीजनल सेंटर पे, जी उनके मतलब अभी भी वो जो एनसीसी एनसीसी हो रहा है, उनका क्या इश्यू है? जिन्होंने रीजनल सेंटर पर सबमिट कराए हैं उनके अभी नहीं होंगे, अभी दोबारा करवाने पड़ेंगे उन्हें सबमिट अपने ऑनलाइन। नहीं, मतलब जो करवा दिए थे पहले रीजनल सेंटर पे करवा वो हो दिए जाएंगे थे, आपके ऑफिस, लेकिन जो जो करवा दिए थे वो हो जाएंगे, पर थोड़ा टाइम मतलब लगेगा उनमें भी। कितना टाइम लगता है उसमें, मतलब अभी हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस चीज की? नहीं, तो मतलब अगर व्यूमो का सिस्टम मतलब बदलने में कितना टाइम लग जाएगा? अभी देखिए हमारे पास जब ऑफिस वहां से रिक्वायरमेंट आएगी तो हम बताएंगे आपको। मतलब क्या रिक्वायरमेंट मैसेज वगैरह आएगा हमारे पास, या जैसे वो फिर बताते हैं हमारे को, क्या कहते हैं कि अब असाइनमेंट स्टार्ट होंगे, इतनी तारीख से स्टार्ट होंगे, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है अभी। ठीक है? और दिन का जब मतलब आएगी तो जो रिजल्ट ही क्लियर हो रखा है ना, जी मतलब असाइनमेंट वगैरह सब पास है, जो उनकी मतलब मार्कशीट का क्या रहता है फिर? मार्कशीट के लिए आप रीजनल सेंटर कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जी मतलब दूसरे नंबर पे होगा? ठीक है, आपका शुभ नाम है? नाम बताने की जानकारी नहीं दे सकते, आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है पूछ सकते हो आप आके। नहीं, वो तो जान लिया फिर, मतलब मैं इसको मतलब आगे अगर मैं जी मेरे को आगे इन्फॉर्म देनी है, इसलिए मैं भी जानूंगा कि मैंने इनसे जाना है, तो हाँ नाम बता दीजिए, बताइए। हेल्प डेस्क पे कॉल करी थी आपने, आप ये बोल दीजिए हेल्प डेस्क पे बस। ठीक है, यूट्यूब पे डाल दूँ फिर? ठीक जी है, थैंक यू मैम। ओके।